हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉल हैंग कम आउट रहता है इंग्लिश भाड़ा, उसकी ब्रैकेट की फिटिंग कैसी करनी चाहिए। तो वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा इंग्लिश कम आउट है वॉल हैंग, उसके हिसाब से हमने ब्रैकेट को सेट कर लिया है और उसको नीचे सीमेंट रेती का जो मार्क रहता है उसमें हम फिक्स कर लेंगे। ब्रैकेट भी टाइट टाइम हमें टाइल वाले की लेवल लेना ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम हमारा जो इंग्लिश कम आउट वॉल हैंग उसका ब्रैकेट फिक्स करेंगे। जो टाइल वाला लेवल देता है उसकी फ्लोरिंग लेवल, उससे हमारा ब्रैकेट कम से कम 1 और 1.5 इंच का उसमें नीचे रहना चाहिए, ताकि टाइल बैठने के बाद हमारा जो इंग्लिश कम आउट भांडा है वो सही तरीके से बैठे। फ्लोरिंग से भांडे का ऊपर का टॉप आता है दोस्तों 18 इंच, उसी हिसाब से हमें ये ब्रैकेट फिट करना है। हमारे ड्राइंग की सबसे हमने सेंटर ले लिया है ब्रैकेट का, तो उसके बाद हम इनलेट का कनेक्शन देंगे ब्रैकेट में, तो उसका हम अब माप ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर कम आउट का साइज अलग रहता है, ब्रैकेट की फिटिंग अलग रहती है, तो हमको जैसा कम आउट का इनलेट आउटलेट रहता है और उसके जो नट बोल्ट की साइज रहती है उसके हिसाब से ब्रैकेट फिट करना पड़ता है। हम यहाँ पे ये 7 इंच का UPVC पाइप है उसको यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्लश वाल ब्रैकेट के लिए फ्लश वाल यूज कर रहे हैं। तो फ्लश वॉल के हाइट का मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोरिंग लेवल से 41 पे आना चाहिए, ताकि जो हम सीट कवर को खोलते हैं तो फ्लश वॉल को लगना नहीं चाहिए प्रॉपर, उसको खुलने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, इसलिए उसको 41 पे रखना ज़रूरी है। उसके 1-2 इंच ऊपर भी हो सकता है पर उसको नीचे नहीं जमता। को कमोड के हिसाब से ही सेंटर और उसका माप सही तरीके से उसको फिक्स करना है। ब्रैकेट के सेंटर में ही पाइप आना चाहिए, तभी हमारा कमोड बैठेगा। और अपने को कमोड बैठने का भी वीडियो चैनल पे, ये वीडियो के बाद में आ जाएगा दोस्तों, तो चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो एक आपको इसमें प्लम्बिंग का कौन सा भी वर्क हो और कौन सी भी जानकारी चाहिए हो तो चैनल पे ज़रूर जाना, उस पर हमने सभी वीडियो डाले हैं। तो उसको हमने माल में अच्छे तरीके से टचअप कर लेना है और ब्रैकेट बिठाते टाइम उसको प्लास्टर के ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा बाहर भी नहीं आना चाहिए, ताकि ज़्यादा अंदर जाएगा तो हमें कमोड बिठाने में दिक्कत होगी और ज़्यादा बाहर आएगा तो टाइल वाले को दिक्कत होती है टाइल बिठाने में, उसका ज़्यादा माल आता है। तो प्लास्टर का जो एक लेवल रहता है उसमें ही ब्रैकेट फिक्स करना चाहिए। और नीचे हमने जो वाटरप्रूफ को तोड़ा था उसको भी अच्छी तरीके से टचअप करना है। नीचे के साइड में हम अच्छी तरीके से उसको गोटाई करेंगे, ताकि पानी बाथरूम में से लीक ना हो
उसको प्रेस मार के इसकी बॉडी कंप्लीट कर देंगे, तो अपनी ब्रैकेट की फिटिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लम्बिंग का कौन सा भी आपको दिक्कत आ रही हो या कौन सा फिटिंग की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, उसका वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।